गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इज अश्विनी सिंह एंड लेट अस डिस्कस जो मैंने थर्ड पेपर दिया था एसएससी वाला, उसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इन अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट 15 वुमेन, 7 हैव नो स्टड्स एंड 8 हैव इयररिंग्स एंड 3 हैव नाइदर। सो हाउ मेनी ऑफ दीज हैव बोथ नो स्टड्स एंड इयररिंग्स। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि तीन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, नाइदर नो स्टड और रिंग। तो 15 में से 3 तो आपने घटा दिए तो बच के 12। तो हमें 12 में देखना है कि किसके पास, तो हमारे पास क्या होगा, नो स्टड होगा, कुछ के पास क्या होगी, रिंग होगी, कुछ है दोनों में, दोनों में दोनों चीज़ें होंगी। तो 7 के पास नो स्टड है, तो अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे 8 है लोग तो यहाँ पे ये बच जाएंगे 8 माइनस एक्स, सिर्फ रिंग्स वाले। इनको आप ऐड कर दो, इसकी वैल्यू 12 आनी चाहिए। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 12। तो आ गया 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो दिस इज द आंसर, राइट। सेकंड देख लेते हैं, रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज इज 4:3। ए विल बी 26 ईयर्स ओल्डर आफ्टर 6 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज प्रदीप, इट इज नॉट प्रदीप, इट इज ए, सॉरी, हाउ ओल्ड इज बी नाउ, बी हमें बी निकालना है, इसमें से बी रीड करें इसको। तो रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज, तो ए की जो एज है और बी की एज है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 4:3। अब इसने कहा है कि 6 साल के बाद ए तो हो जाएगा 26 साल का, बी की प्रेजेंट एज बताओ, तो हमें ये निकालना है अल्टीमेटली। सो 4x+6=26, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, राइट। एक्स की वैल्यू 5 हमने यहाँ पुट कर दी, तो 3×5=15 इज द आंसर। नेक्स्ट, अ नंबर वन डिवाइड बाय 765 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 42। तो अगर कोई नंबर है, अगर उसे डिवाइड करते हैं 765 से, तो वो कुछ तो क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस 42 क्या बचाएगा उसमें, रिमाइंडर। अगर हम इस नंबर को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो लेट अस सी कि अगर 17 से इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं, 17 4 68, 17 5 75, 45 के प्लस हम 42 को डिवाइड करते हैं, 34 + 6/17। इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6, तो 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज इज 2 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। 52 लोगों में से जो लड़के हैं वो लड़कियों से 2 कम हैं, तो इसका मतलब अगर लड़के होंगे 25 तो लड़कियां होंगी 27। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42, तो जो 25 बॉयज हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 42, और पूरी क्लास का एवरेज वेट है 52। तो इनका वेट हर किसी का 10 किलो कम है, किससे, एवरेज से। तो 25 में 10 किलो कम हो गया, 250 किलो कम हो गया एवरेज से। और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनका वेट कितना हो जाएगा, उनका वेट कितना हो जाएगा, 27 लड़कियां हैं, तो एक तो सबका वेट एवरेज वेट तो है, प्लस वो ये 250 जो वेट है इसे भी शेयर करेंगे 27 लोग। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आती है 61.25 एंड ये अप्रोक्सीमेट करता है 61 को, तो आंसर आ जाएगा 61। अ मैथ्स टीचर कैलकुलेटेड टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। 8वीं क्लास के 35 लोगों के मैथ्स टीचर ने टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए, एवरेज मार्क्स आए 72, तो एवरेज आ गया 72, कितने लोगों का, 35 लोगों का। बट 30 मार्क्स ऑफ रीना वर कैलकुलेटेड इन प्लेस ऑफ 86 मार्क्स, पर रीना के जो एक्चुअल में 86 नंबर थे उसकी जगह 30 कैलकुलेट हुए, तो इसका टोटल में हमारे 56 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो एवरेज कितना जाएगा, 56/35 और ऐड हो जाएगा, 7 8 7 5 1.6 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये जाएगा 73.6। तो या तो ये मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर होगा अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया होगा, और अगर नन ऑफ दीज भी दे रखा है तो हमारे पास आंसर आएगा नन ऑफ दीज, एल्स 73.42, बिकॉज इन अप्रोक्सीमेटली 73.6 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवन लीटर्स ऑफ एसिड वर ड्रॉन ऑफ अ 54 लीटर वेसल फुल ऑफ एसिड। एक वेसल है, एक जार है, एक बर्तन है जिसमें 54 लीटर एसिड पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, उसमें से कुछ पानी, उसमें से कुछ एसिड निकाल लिया, उसकी जगह हमने पानी मिला दिया, अगेन सेम वॉल्यूम जो हमने पहले निकाला था उतना ही निकाल लिया, दोबारा से पानी मिला दिया, तो रिजल्ट के बाद 24 लीटर एसिड हमारे पास रह गया। तो ये हमें देखना है कि एसिड हमने पहली बार कितना निकाला था, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, 54 पहले था, हमने कितना निकाला, एक्स निकाला 54 में से, कितनी बार निकाला, 2 बार निकाला, और हमारे पास रह गया 24। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 - x/54 का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9। इसका मतलब 1 - x/54 की वैल्यू आ गई 2/3,
इसका मतलब एक्स अपॉन 54 की वैल्यू आ गई 1/3 और एक्स की वैल्यू आ गई 18, इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹3 पर लीटर। तो हमारे पास पानी है, हमारे पास मिल्क है, हमारे पास पानी की कीमत है 0 और मिल्क की कीमत है ₹3 पर लीटर। हमने दोनों को मिक्स किया और अगर हम उसे ₹3 बेचते हैं तो हमें 20% का फायदा होता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मिक्सचर की कॉस्ट कम होगी। तो फ्रैक्शन रूल लगाएंगे, मिक्सचर की कॉस्ट निकाल देंगे, 3 × 100/120 ये आ गया 2.5। तो मिक्सचर की कॉस्ट कितनी है 2.5। ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। तो अब दोनों का रेशियो देख रहे हैं, 3 − 2.5 ये आ गया 0.5, 2.5 में से 0 गया, 2.5 बच गया, दोनों का 0 हटा देंगे। तो अगर ये 5 लीटर है तो ये 25 लीटर है, क्योंकि रेशियो दे रखा है, तो आंसर आ गया 25 लीटर। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड द टू डिस्काउंट फॉर अ सर्टेन सम फॉर अ गिवन पीरियड इज ₹25 एंड ₹20। दिस इज फाइंड द सम। तो सिंपल सा है, अगर हम लगाते हैं लेटर से 1 साल के लिए ले लेते हैं इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P × 1 × 2 × 100। पी मान लिया एक्स है, इंटू आर है लेटर से आर अपॉन 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 25। और टू डिस्काउंट है, टू डिस्काउंट क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल है 20 माइनस करने के बाद जो उस पर रेट मिलेगा वो मिलेगा 20%। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, डिवाइड करते हैं फर्स्ट को सेकंड से, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू लेटर से 5/4। तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। नेक्स्ट, दो श्रेणी दे रखे हैं एपी जिनका की सम दे रखा है 7n+1 और 4n+27। तो उनका रेशियो निकालना है 11th टर्म का रेशियो निकालना है। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है 7n+1 upon 4n+27। करेक्ट, इसका मतलब सम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, n/2 2a + n-1d। सो n/2 × 2a + n-1d upon n/2 2a + n-1d। करेक्ट, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका हमें रेशियो दे रखा है। और हमारी 11th टर्म क्या होगी, टर्म क्या होगी हमारे पास 11th टर्म, a+10d upon a+10d। अब ये a कैसे आएगा और 10 कैसे आएगा, इन दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं लेटर से 2 से और नीचे ऊपर भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, हो जाएगा a प्लस, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a+n−1/2d upon a+n−1/2d। तो इसका मतलब जब यहाँ पे n की वैल्यू 21 होगी, n की वैल्यू 21 होगी तब ये 10d हो पाएगा, n की वैल्यू 21 होगी तो 10d हो पाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली हमें निकालना है s21 upon s21। राइट, तो ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 7 × 21 + 1 और नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी 4 × 21 + 27। तो 7 × 7 = 144, तो ऊपर तो आ गया 148 और नीचे आ गया 84 + 27 = 111। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर परचेजेस 40 पेंस एट सीपी ऑफ 36। तो मान लिया एक पेन की कीमत है ₹1, तो उसने ₹40 की चीज ₹36 में तो खरीदी कॉस्ट प्राइस, और उसने इस पर डिस्काउंट दे दिया 3% का। तो डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ उसने कितने की बेची × 97/100, तो ये बेच दी उसने ₹38.80 की। ₹36 लेके 38 रुपये की बेची, तो हमें प्रॉफिट हो गया ₹2.80 किसके ऊपर हो गया, 36 के ऊपर गुणा 100। तो ये आंसर आ गया 7/9%, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो दिस इज द आंसर। रामू ने क्या देखा कि 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसके ऊपर से एक ट्रेन जा रही है जिसकी लेंथ उसकी लेंथ की आधी है, तो इसका मतलब उसकी लेंथ है 500 मीटर और वो 2 मिनट में क्रॉस करती है ब्रिज को। तो उसने देखा कि 1.5 किलोमीटर ट्रेन चलती है 2 मिनट में, तो 60 मीटर में कितना चलेगी, 2 × 30.30 = 45 किलोमीटर। तो स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men under 2 का वर्क फोर्स 600, 1
एक आदमी से 6 दिन में करता है, दूसरा 8 दिन में करता है, पर एक बच्चे की मदद से वो उसे 3 दिन में करते हैं, फाइंड बॉयशिया। तो लड़का जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3 - 1/6 + 1/8, तो ये आ गया 1/24। तो एक दिन के काम का रेशियो हो गया इतना, तो टोटल काम, तो जो पैसा मिलेगा वो किस उसमें बटेगा, सबसे ज़्यादा पैसा इसको मिलेगा क्योंकि ये सबसे जल्दी काम करेगा, तो इसका रेशियो हम चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आएगा 4:3:1, इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो अगर 600 रुपये मिल रहा है तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा, 1/8 × 600, तो ये वैल्यू आ गई 75, तो आंसर आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई हैव टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, और मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा अगर मैं 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता हूँ। तो लेट अस से मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मैं पहुँचूँगा 15 मिनट लेट अगर मेरी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा। लेट अस से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 4, और मैं 10 मिनट पहले पहुँचता हूँ इस प्लेस पे अगर मेरी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो इसका मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो आ गया 25 मिनट का, तो d/4 - d/6 = 25 मिनट / 60 मिनट, क्योंकि हमें निकालना है आवर में, तो यह आ जाएगा 5/12। इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 12 आ जाएगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 आ जाएगा, 3d - 2d, तो d = 5, सो आंसर इज 5। ए एंड बी रन अ 5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 400 मीटर्स, तो एक गोल है, इसमें 400 मीटर का एक ट्रैक बना हुआ है, और ए और बी इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो ए अगर ए की स्पीड है 5, बी की स्पीड है 4, तो अगर ए चलेगा 500 तो बी चलेगा 400, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 500 चला, बी ने चला 400, तो इसका मतलब 100 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब अगर हम इसे ए चलता है, अगर बी से 4 चक्कर मारेगा फील्ड के, दैट मीन्स अगर बी चलेगा 1600 तो ए चलेगा 2000, तो इसे ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम मिलेगा, तो अगर राइट तो इसमें एक बार मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर ए चला 2000 मीटर, ए चला 2000 मीटर तो इसे एक बार मिला, और अगर एक चला इसका मतलब उससे एक गुना ज़्यादा चला, एक चक्कर ज़्यादा चला, एक सर्कल, ठीक है, तो अगर ये चल रहा है 5000 मीटर तो ये इससे 2.5 चक्कर ज़्यादा चलेगा, तो आंसर इज 2.5 टाइम्स। फिर क्वेश्चन दे रखा है, द रिटेल प्राइस ऑफ वाटर गीजर इज 1265, मैन्युफैक्चरर ने 10% गेन हुआ, होलसेलर को 15 का और रिटेलर को 25% का, तो कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, तो हमें प्रोडक्ट दे रखा है 1265 का, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर ने गेन किया तो इसकी कॉस्ट और कम होगी, तो 100/110। फिर होलसेलर ने 15% उस पर कमाया तो उसकी कॉस्ट और कम होगी, प्लस रिटेलर ने और कमाया उस पर तो उसकी कॉस्ट और कम होगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 800, 800 इज द आंसर। अ मैंस इनकम इज इंक्रीज बाय ₹1200 एंड द सेम टाइम रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 10, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इनकम इफ 20% ऑफ हिज इनकम इज एक्सपेंडेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन बोथ द केसेस। वो कह रहा है कि पहले उसकी इनकम थी एक्स, अब उसकी इनकम हो गई एक्स प्लस 1200, जो टैक्स था पहले 12% था, अब टैक्स हो गया 10%, और दोनों जो अमाउंट है टैक्स का वो सेम है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 6000, 12%, 10%, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 6000। अब उसकी इनकम क्या होगी अगर 20% जो उनसे इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाए टैक्स से, तो इसका मतलब उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी इनकम हो जाएगी 6000 × 120/100, तो आ गया 7200, तो 7200 इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी जिनका रेशियो है 12 15, तो पहला नंबर आ गया 12x, दूसरा नंबर आ गया 15x और तीसरा आ गया 25x। रेशियो ये ए है, ये बी है, सी है, डिफरेंस है बी और ए का कितने का, 3x का, और सी और बी का डिफरेंस कितने का है, 10x का, तो दोनों का रेशियो निकालना है 3:10, ये हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
हमारे को 18 क्वेश्चन कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक है सीता, एक है गीता और एक है रीटा। सीता ने 5,000 रुपये जमा किए, गीता ने 4,000 रुपये जमा किए। एक महीने के बाद गीता ने एक चौथाई पैसे निकाल लिया, तो इसका मतलब इतना पैसा तो उसका रहा सिर्फ एक महीने तक, प्लस जब उसने निकाल लिया तो 3,000 रुपये रहेंगे उसके, अगर एक साल की बात करें तो 11 महीने तक। सीता पुट रुपीज 2,000 मोर आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के बाद सीता ने 2,000 रुपये और निकाल दिए, लगा दिए, तो 5,000 तो रहेंगे एक साल के लिए और 2,000 रुपये कितने साल के रहेंगे, 9/12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए रहेंगे। और फिर दे रखा है हमको कि जब गीता ने पैसे निकाले, दैट मीन्स एक महीने बाद पैसे निकाले, तो रीता ने 7,000 रुपये और लगा दिए अपने, तो रीता के 7,000 रुपये रहेंगे 11 महीने के लिए। इन तीन इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका, इधर ही 12 ले लो, इधर ही 12 ले लो, एंड सो ऑन, राइट। तो ऐड करके हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, 78 और 37 और 77, ये हमारा रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट हुआ 1,218 रुपये का। तो इसको कितना शेयर मिला, 77 अपॉन, इस समय हम ऐड कर दिया, ऐड करके इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 192 × 1,218, और वो वैल्यू आ रही है 488.47। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है, 19th। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, और दूसरे केस में 13 घंटे में वो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है। तो हमें निकालना है कि करंट का रेट कितना है, नदी का बहाव का भाव कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर 10 वैल्यू के लिए अगर हमको सेटिस्फाई करना चाहें, तो अगर ये वैल्यू आ जाए 10, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई अगर आ जाए 3 और एक्स प्लस वाई आ जाए 11, तो 4 + 11 तो 4, और यहाँ पे कितना, जिससे 10 आ जाए 6 आना चाहिए यहाँ पे, 6 ठीक, या 5 आना चाहिए नीचे। तो अगर x माइनस वाई 5 आ जाए और x प्लस वाई आ जाए 11, तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करें, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 पुट करके आप दूसरे में चेक करो, राइट, y एंड x, तक y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8। इसमें पुट करके देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, तो इट इज ऑप्शन बेस्ड, आप इसे करें। अदरवाइज ऐसे जिसमें भी इक्वेशन बनती है उसे हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक सिस्टर्न है, एक टैंक है, जो कि दो पाइप भरते हैं 12 मिनट में और 16 मिनट में। एक पाइप 12 मिनट में भरता है, दूसरा 16 मिनट में भरता है, अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में 7/48 भर पाएंगे। अब वो कह रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 7/8, एक्स मिनट तक चलेंगे तो एक्स मिनट चलने में एक की एफिशिएंसी होगी 7/8, तो इसका मतलब उसे टाइम ज्यादा लगेगा, उसे टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी कम हो गई तो इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस दूसरे की एफिशिएंसी भी कम हो गई, उसकी एफिशिएंसी 5/6 हो गई तो इतना टाइम लगेगा। तो कुछ देर तक ये चला, बस उसके बाद अगर क्लॉगिंग खत्म हो गई तो 3 मिनट में हमारे पास 3 मिनट और चलने के बाद उन्होंने जो काम किया तो हमारे पास टोटल पानी इस टैंक में भर गया, ठीक। तो 3 मिनट तक दोनों काम करेंगे, प्लस एक्स मिनट तक ये अपनी इस एफिशिएंसी से और इस एफिशिएंसी से काम करेगा, तब हमारा पानी पूरा भर पाएगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अंदर 12.96 इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू 1 − 16 आ गया, तो इसका मतलब 1 − 7/16 इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो हो गया 1/8, 8 से 2 टाइम चले गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मिनट। इसका मतलब 4.5 मिनट तक जब तक पानी क्लॉग रहा, जमा रहा, कहीं पे रुकावट आई, तो 4.5 मिनट तो तब चला, उसके बाद 3 मिनट में भर गया, ठीक है। तो आंसर इज 4.5। सो अगर वीडियोस आप वीडियोस को पढ़ें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।